नमस्कार। आज हम आरटीआई इंडिया न्यूज चैनल के स्टूडियो में हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्मृति व्यास हैं, मेडिकल प्रोफेशनल में हैं, और मैं बलवंत कटारिया हूँ, एजुकेशनिस्ट एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है। आज की परिचर्चा विशेषकर हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पे करनी है, क्योंकि वो एक महापुरुष थे भारत के। बहुत सारे कम लोग उनको जानते हैं कि उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जिनको आज हम एससी ओबीसी कहते हैं, उनकी उनके हक की बात जो है 1840 के करीब उन्होंने शुरू की थी, कह सकते हैं कि 125 साल पहले, क्योंकि उनका बर्थ एनिवर्सरी जस्ट आ रही है। उसी उपलक्ष्य पे हमें सभी के साथ ये जानकारी साझी करनी चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता चलता हूँ और आप विस्तार से बताएंगे समय का ख्याल रखते हुए। ज्योतिबा फुले, जिनको हम महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं, और वो पति हैं माता सावित्रीबाई फुले के, जिनको भारत की पहली अध्यापिका भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ हुआ, भारत की कौन से स्टेट में हुआ, कब हुआ, और उस समय के सामाजिक हालात कैसे थे, इस पे थोड़ा सा बताएंगे आप? जैसे कि हम सब जानते ही हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता जी का नाम जो था वो चिमनीबाई फुले था। तो मात्र अभी वो 9 माह के ही थे कि उनकी माँ जो थे माता जी वो चल बसी। उसके बाद जब शिक्षा की बारी आई तो स्कूल में उनको उनके पिताजी ने कोशिश की कि स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। दाखिला हो भी गया, लेकिन क्योंकि उस समय सब जानते हैं कि कितना भेदभाव था सोसाइटी में, तो जो अपर जैसे कि जो थे उनको दबाव था कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दीजिए, आप स्कूल में नहीं रख सकते उनको। तो दबाव में आके उनके पिताजी ने उनको स्कूल से बाहर निकाला, और स्कूल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनकी खेतीबाड़ी में उनके साथ हेल्प की, उनकी मदद की। तो उसके बाद अभी वो 13 वर्ष के ही थे कि उनकी शादी हो गई माता सावित्रीबाई फुले जी से। तो शादी के बाद अभी वो 14 वर्ष के ही थे, तो उनकी फिर से माता सावित्रीबाई की उम्र कितनी थी उस समय? उस समय वो नौ साल की थी वो, और चाइल्ड मैरिज कह सकते हैं कि उस समय चाइल्ड मैरिज ही थी प्रचलित, तो चाइल्ड मैरिज हुई थी उनकी। तो उन्होंने शादी के बाद फिर से पढ़ाई अपनी जो है वो शुरू की। उसमें उनका जो पढ़ाई में हाथ था वो किसी मुस्लिम कहते हैं उनका हाथ था, तो उसकी उनकी वजह से उन्होंने फिर से शिक्षा शुरू की। और अपने साथ साथ सिर्फ अपनी ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी जो कि सावित्रीबाई फुले जी थी, जिनको भी शिक्षा का बहुत ही उनको उनके अंदर जिज्ञासा थी, तो उनको भी उन्होंने इसी लाइन में लगा लिया, यानी कि शिक्षा की लाइन में लगा लिया। मैम, हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले की जानकारी ज़्यादा पॉपुलर है आज के ज़माने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो महिला थी और महिला अधिकारी थी वो। तो साथ साथ हमें उनको जोड़ के ही महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जब भी बात करते हैं, जब भी बात करनी होगी तो एक साथ करनी होगी, एक साथ, क्योंकि वो दोनों जब काम करते थे तो एक साथ ही साथ काम करते थे। तो अब ये है कि उस समय के हालात आप कह रहे हैं कि पढ़ाई जो है डिप्रेस्ड क्लासेस की मना थी, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो फिर छोड़ दी गई, फिर दोबारा शुरू कर दी गई। तो उसके बाद क्या उनका पड़ाव था, वो कैसे उनका एक इंसिडेंट बोलते हैं कि वो क्रांतिकारी या फिर जातिवाद के खिलाफ या फिर कट्टरवाद के खिलाफ उनका एक टर्निंग पॉइंट था? हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट आया था उनकी लाइफ में जी। तो एक उनका एक ब्राह्मण दोस्त था जी। तो उसकी शादी में उसको वो बहुत चाहते थे कि उनके फ्रेंड दोस्त जो थे कि वो उनके साथ शादी में रहें, उनके साथ रहें जी। तो लेकिन हुआ ऐसे कि वो तो चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले जो थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम बारात लेके जा रहे हैं, तो ये जो है किसी निमन जाति वाले को हम इसको साथ में नहीं रखेंगे। तब तक शायद
फुले जी को इतना एहसास नहीं था कि इतना वो जो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का इतना उनको एहसास नहीं था, लेकिन उसमें काफ़ी इंसल्ट फील की उन्होंने, और फिर वो आ गए वहाँ से वापस घर जाके उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि ऐसा उन मेरे साथ क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने उनके पिताजी ने बताया कि हम लोग जो हैं वो एक नीची जात के हैं, शूद्रों में कहते हैं, तो उस टाइम पे शूद्र क्लास में आते थे, जिनको कि आजकल हम फूले जो उनकी सब कास्ट है वो जो है वो माली जाति के थे। तो उनके पिताजी ने उनको बताया कि क्योंकि हम शूद्र हैं और हम माली जात से आते हैं, तो हमें अलाउड नहीं है कि हम जो है वो ऊंची जात के लोगों के साथ उठना बैठना। हालांकि वो कहते थे कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, फिर भी मुझे नहीं उधर बैठने दिया। और वो जो फूले के पिताजी थे वो ठेकेदार थे, और मैंने पढ़ा है कि वो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक थी और वो गरीब नहीं थे, लेकिन उनको जो जातिवाद का शिकार उनको होना पड़ा। बस इसी के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई कि हाँ मुझे इस बात पे होकर लगने के बाद कि मुझे इस पर काम करना है, और खास करके पढ़ाई के मसले में। तो फिर उन्होंने उसके बाद एक किताब पढ़ी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, तो जिसमें उन्होंने फिर इंग्लिश राइटर थे, तो उन्होंने फिर उनका लक्ष्य ही बदल गया अपना तो सोसाइटी की तरफ, पढ़ाई की तरफ। तो उस ये किताब जो थी ये उनकी खास करके जो उसका रोल है टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ही उन्होंने फिर क्या किया, एक स्कूल पाठशाला खोली जिसमें माता सावित्रीबाई फूले जो थी वो एक अध्यापिका के रूप में उन्होंने उस पाठशाला में काम किया, और उस पाठशाला में सभी बच्चे जो थे वो अलाउड थे। तो उसमें ये नहीं कहा कि एक जात के बच्चे आएंगे दूसरी के नहीं आएंगे, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने एक स्कूल जैसा खोला जिसमें कि वो पढ़ेंगे। मैम ऐसा लगता है कि फूले से पहले कोई प्रयत्न नहीं हुआ, या किसी को ठोकर लगी नहीं, लगी होगी तो वो चुप रहा होगा। फूले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दो चीज़ें अपने जीवन में ठान ली, एक उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठा दी शरेआम ओपनली डरे बिना। नंबर टू उन्होंने नारी शिक्षा जो है उसकी आधारशिला रखी कि नारी शिक्षा होनी चाहिए। मैम मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिबा फूले जो हैं उन्होंने भारत की धरती पे, भारत के समाज में दो चीज़ें जो हैं उनकी शुरुआत की है। एक तो उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और पखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई। नंबर टू उन्होंने नारी जाति के लिए शिक्षा जो वर्जित थी उसको शुरू करने के लिए अपना क्रांतिकारी कदम जो है पहली बार उठाया, और तभी उनकी पत्नी जो सावित्री बाई हैं उन्होंने उनको पढ़ाया, खुद भी पढ़े थे, तो दोनों ने मिलकर शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारा किया हुआ, आगे बात होगी। पहले आप हमें ये बताइए कि उन्होंने ये दो चीज़ें जो हैं कब शुरू की है, कौन से सन में शुरू की हैं, और नतीजे कैसे रहे? देखिए 1848 में उन्होंने जो है पहला स्कूल खोला था अपना। तो आपको एक बात आगे शुरू करने से पहले उनका एक किस्सा बताते हैं कि जब माता सावित्रीबाई फूले ने ये स्कूल पहला स्कूल खोला तो क्या होता था कि जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो अपने साथ एक अलग बैग में एक कपड़ों का सेट लेके रखती थी। वो क्यों? क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलती थी लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते, टमाटर फेंकते, ऐसे कुछ फेंकते और उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। फिर वो क्या करते थे, स्कूल में आके फिर से वो कपड़े चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाते थे। यानी कि इतना विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो प्रण था उस पर वो कायम रहे और अपना काम करते रहे, यहाँ तक कि उनको उनके अपने माता पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बाकी जो लोगों का कहना था कि ये जो पढ़ाना है, ये जो शिक्षा है, ये धर्म विरोधी काम है। तो इस कारण उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जब घर से बाहर निकाला गया तो अब रहने के लिए छत भी चाहिए थी, तो उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था कि उस्मान शेख, और उस घर में उनकी एक विधवा बहन थी जिनका नाम फातिमा शेख था, जो खुद भी एक अध्यापिका थी, तो वहाँ उनके पास रहे। फिर माता सावित्रीबाई फूले और जो इनकी दोस्त फिर बन गई उनकी बहन फातिमा शेख, इन दोनों ने मिलके फिर वो स्कूल चलाए और बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। मैम एक चीज़ है कि जब भी कोई परंपरा के खिलाफ काम होता है
जैसे फूले जी ने शिक्षा का काम शुरू किया, जाहिर सी बात है उसका विरोध होगा, आज भी विरोध होता है जब भी कोई परंपरा या अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठती है। तो जब उनको घर से बाहर निकाला गया है तो देखिए ये एक गंभीर सोचने वाली बात है। उनके पिता को ये कहा गया, जा तो इस बेटे को अपने को बोलो कि अछूतों की और औरतों की पढ़ाई बंद करे, जा फिर घर छोड़ दे। तो जब फूले जी को ये कहा गया कि भाई आपने घर छोड़ना है या क्रांति, तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ दूंगा लेकिन अपनी क्रांति नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने प्रण लिया हुआ है सामाजिक क्रांति का या फिर नारी शिक्षा का वो मैं करके रहूंगा। तो वो घर से बाहर चला जाता है। हाँ, इतना ही नहीं, जब वो घर से कुर्बानी, एक कुर्बानी थी, जब वो घर से बाहर गए तो एक बार क्या हुआ कि उनके पीछे कुछ ब्राह्मण लोग लगे उनको मारने के लिए, तो वो इतना तक था कि हम इसको जान से मार देंगे। लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि वही जो ब्राह्मण लोग थे वो फिर फूले साहब के साथ है, फिर उनके साथ उन्होंने भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा, उनको उन्होंने कन्विंस किया। और ये कि देखो सबको एक साथ लेके चलने में ही सबकी भलाई भी है और हमारी उन्नति भी है। तो अगर देश की उन्नति करनी है तो हम सबको एक साथ मिलके कदम उठाने होंगे, और खास करके शिक्षा के अभियान में जिसपे कि उन्होंने खास उनका ध्यान था। अब शिक्षा के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो विधवाएं महिलाएं थी उनके साथ भी उनका काफी योगदान रहा है, उनकी उनको ऊपर उठाने में। आपको एक बात बताऊं मैं कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण महिला थी, तो विधवा महिला थी वो, तो उसको वो अपना बच्चे का गर्भपात करना चाहती थी लेकिन वो ना हो सका, तो बच्चा रह गया। जब बच्चा रह गया, बच्चा जन्म के बाद उसको मारना पड़ा। जब बच्चा उसने मार दिया अपना, तो उसको पता चल गया। जब पता चल गया लोगों को, तो उसको जो है काफ़ी सजा मिली और उसको उम्र कैद हो गई। जब ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के कानों में पड़ी, उनको बहुत धक्का लगा, और फिर उस समय उन्होंने शुरुआत की एक जो शेल्टर फॉर कहते हैं विडोज से हम कहते हैं, तो उसमें उन्होंने भ्रूण हत्या प्रिवेंशन एक होम बनाया जिसको फिटिसाइड प्रिवेंशन होम भी कहते हैं, और वहाँ पे सारी विधवा महिलाएं और उनके बच्चों का रहने का खाने पीने का प्रबंध किया उन्होंने। हाँ, मैं ये भी जोड़ दूँ कि वो जो विधवा औरतों के लिए उन्होंने एक तो अनाथालय उनकी डिलीवरी के लिए, यदि कोई, क्योंकि विधवा औरत उस ज़माने में बेसहारा होती थी, उस पर अत्याचार भी होते थे, तो यदि वो किसी तरह से प्रेग्नेंट होती थी तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुरुष की लापरवाही की वजह से उसको जान देनी पड़ती थी। लेकिन फूले जी ने कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है। हाँ जी, विधवा जो होती है वो अपनी मर्जी से विधवा नहीं होती, वो इंसान है और उसको सभी ह्यूमन राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। हाँ, इसके साथ मैं आपका ऐड करूँ, 1864 में उन्होंने एक विधवा महिला का एक पुनः विवाह करवाया, उसकी सेकंड मतलब रीमैरिज करवाई, सेकंड मैरिज करवाई। तो ये उस समय हम सोच सकते हैं कि कितनी कितना बड़ा स्टेप होगा, ये इस तरफ पहला कदम होगा भारत के इतिहास में। हाँ, कि जिस इंसान ज्योतिबा ने कहा कि पुनर्विवाह होना चाहिए, जब तक कि उस समय तक पहले नहीं होता। देखिए, उन्होंने मुझे तो ये लगता है कि इंसानियत की डेफिनेशन, परिभाषा जो इंसानियत की, वो असल अगर हम देखें तो फूले जी ने भारत को दी है कि इंसानियत वो होती है कि एक विधवा औरत आत्महत्या ना करे, पुनर्विवाह अगर करना चाहती है तो वो कर ले, उसको परमिशन होनी चाहिए, और यदि वो प्रेग्नेंट भी होती है तो उसकी डिलीवरी सेफ एंड साउंड होनी चाहिए, उसके लिए मैटरनिटी होम होना चाहिए जो उन्होंने खुद खोला, दोनों ने अपनी सावित्रीबाई के साथ मिलके, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ मिलके उन्होंने विधवा औरतों के लिए वो मैटरनिटी होम जो है वो खोले। मैं आपको ऐड करती हूँ इसमें, जिसमें जब वो उसी फिटिसाइड जो उन्होंने प्रिवेंशन होम खोला, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, उस शेल्टर में उन्होंने एक विधवा महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि जन्म देने के बाद वो गुजर गई, उस बच्चे को इन्होंने गोद लिया और एक अपना बच्चा समझ के उन्होंने उसको पाला। इससे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपना बच्चा नहीं देखा, सिर्फ इसी कारण कि उनकी ये सोच थी कि हाँ, हमने
समाज के लिए कुछ करना है, हमने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो अगर हमारे अपने बच्चे हो गए तो हम शायद ये कदम आगे ना बढ़ा पाए। तो इसीलिए उन्होंने पूरा ध्यान जो है वो पूरी सोसाइटी को दिया, और लेकिन देखो उस महिला के उस बच्चे को उन्होंने अपना बच्चा समझ के पाला पोसा बड़ा किया, और फिर बाद में आगे जाके वो डॉक्टर भी बना। मतलब कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उसको बिल्कुल ही उसको उन्होंने प्रूव कर दिया साइंटिफिकली कि एक विधवा का बच्चा जन्म ले सकता है और इज्जत से जन्म ले सकता है और वो बच्चा कुछ भी बन सकता है अगर सोसाइटी प्रॉपरली उसको इंसानियत पे भरोसा रख के उसको उसको माने। तो इसकी फाउंडेशन भ्रूण हत्या को बंद करना, विधवा को विवाह करने की इजाजत, और विधवा की अगर प्रेगनेंसी होती है चाहे वो वांटेड है या अनवांटेड है तो उसकी डिलीवरी कराना, उस बच्चे का फर्टिसाइड ना कराना, ये सारी जो डेफिनेशंस है इनकी जो आधारशिला फाउंडेशन जो है वो ज्योतिबा फूले को इसकी इसका क्रेडिट जाता है। आज कोई नहीं जानता, आज मॉडर्न अगर हम 150 साल के बाद भी आज सरकार फर्टिसाइड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन ये आइडिया ज्योतिबा फूले को 150-200 साल पहले था। और क्यों नहीं ये चीज सारी जनता को बताई जाती, ये हम ये मकसद है आज की इस डिस्कशन का कि हमें अपने असली इतिहास को असली महापुरुषों को हमें समझना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बताएंगे कि फिर उन्होंने हाँ जी मैं जैसे कलम का जवाब कलम से देना, ये एक बहुत एक व्याख्या को बताएं मैं कि एक बहुत बड़ी बात है कलम का जवाब कलम से देना। तो आपको मैं बता दूं कि उस समय कुछ उच्च वर्ग के लोग जो थे वो एक कुछ ग्रंथ लिख रहे थे, और उस ग्रंथ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मन धड़क कहानियाँ थी। तो ये देखते हुए फूले ज्योतिबा फूले महात्मा जी ने क्या किया, एक नाटक तैयार किया जिसका नाम था त्रिरत्न, और एक उन्होंने काव्य भी लिखा और काव्य का नाम था ब्राह्मणों की चालाकी। तो उन्होंने इस पे काफ़ी उन्होंने इस पे लिखा इस दोनों चीज़ों पे, और फिर बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। और ये जो गुलामगिरी किताब है ये उन्होंने डेडिकेट की थी उन लोगों के लिए जो अमेरिका में जो ब्लैक लोग जिनका स्लेव्स माने जाते हैं, ये उनको उन्होंने ये बुक डेडिकेट की थी। तो ये था उनका कलम का जवाब कलम। तो ये देखिए आज बिना भी कुछ कोई हथियार उठाए बिना कुछ आज भी यदि हम जो देखते हैं अपने समाज में कि कुछ सेक्शंस जो कमजोर हैं उनके पास कलम नहीं है, और कलम का अटैक जो होता है वो भी एक घातक होता है। तो आज भी जो कमजोर लोग हैं वो इसी वजह से कमजोर है कि उनके पास कलम नहीं है या फिर मीडिया नहीं है, कह सकते हैं अखबार नहीं है, मैगजीन नहीं है, चैनल नहीं है। तो वो मीडिया जो होता है उसका एक रोल होता है। तो देखिए आप ज्योतिबा फूले को कितना दूरदर्शी और कितना फिलासफर मानेंगे कि फर्स्ट पर्सन था जिसने कहा कि आपके ऊपर अटैक खाली फिजिकल अटैक नहीं होता है, आपको कलम का अटैक होता है। और भी बहुत सारा के अटैक होते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी बाद में, जब डॉक्टर अंबेडकर की बात मीडिया में नहीं छपती थी तो उसने भी एक मूक नायक नाम की अखबार शुरू की थी। ये करनी पड़ती है, कलम का जवाब कलम से ही देना पड़ता है, नहीं तो उसका कोई चारा नहीं होता। चलो आगे करते हैं बात, बहुत सारी बातें हैं। तो एक उन्होंने 1873-74 के बीच में एक उन्होंने एक अलग सोसाइटी सत्यशोधक बोलते हैं जिसे हम ना सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना की थी उन्होंने। तो ये जो सत्यशोधक समाज की जो उन्होंने व्याख्या मतलब की या स्थापना की थी इसमें यही था कि कोई भी अंधविश्वास जैसे है अंधविश्वास या कुछ भी ऐसे पाखंडबाज मूर्ति पूजा ये सब नहीं, ये श्राद्ध वगैरह या ये भी जितना भी ये मतलब कर्म कांड है ये नहीं, इस सारे को उन्होंने साइड करके एक एक शुद्ध है ना सत्यशोधक समाज का मतलब यही है कि शुद्ध समाज होगा जिसमें कोई भी पाखंड और अंधविश्वास नहीं होगा, ऐसी सोसाइटी उन्होंने बनाई। वो आगे चली कितनी देर चली वो उस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन रखी जिस तरह से आर्य समाज बना, जिस तरह से आज राधा स्वामी समाज है, फिर दूसरे हमारे साहेबंदगी समाज है, ये अलग अलग समाज इसलिए सेक्शंस बनती हैं कि शुद्धिकरण के लिए कि समाज को एक इंसानियत पर वेस्ट
एक हम सोसाइटी दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये उनका वो था आइडिया। अब जैसे उन्होंने आगे शिक्षा के लिए भी काफी उन्होंने अभी, क्योंकि यहाँ तक तो था, उन्होंने अपने स्कूल खोले, स्कूलों में काम किया, इवन की इवनिंग स्कूल्स भी, जो कंसेप्ट अब देखो उस टाइम पे मतलब 150-200 साल पहले इवनिंग स्कूल का कंसेप्ट भी था, यानी कि जो लोग लेबरर्स थे, लेबर क्लास थे, दिन को काम करती थी, शाम को पढ़ सकते, शाम को पढ़ते। ये कंसेप्ट आज जो गवर्नमेंट ने वो उस समय वो उनको कंसेप्ट सरकार को दे चुके थे। और एक चीज मैं और जोड़ दूं, मुझे याद आ गया, उनके जो स्कूल थे ज्योतिबा फूले या सवित्रीबाई फूले एक साथ ही चलाते थे, उनके स्कूलों में खास बात थी, खास बात ये थी कि उनके स्कूलों में साइंस की शिक्षा दी जाती थी, मैथमेटिक्स की शिक्षा दी जाती थी, राजनीति की सब्जेक्ट्स थे। तो वो जो एजुकेशन का जो उनका सिस्टम था, पद्धति जो थी, तो हमें ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। हमने तो साइंस अभी हमारे भारत में साइंस 1980 या 75 में शुरू हुई है कि कंपलसरी हुई है, तो साइंस तो थी नहीं, तो ये किसी को पता ही नहीं है हमें कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष तो 150 साल पहले साइंस की शिक्षा जो है वो दे चुके हैं अपने स्कूलों में। वो बाद में लुप्त हो गई, कैसे हो गई वो हम नहीं जानते, लेकिन कंसेप्ट जो है ये क्लियर है। बिल्कुल, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स का कंसेप्ट भी वहीं से ही है, क्योंकि वहां पे बच्चों को न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड दिया, खाना दिया जाता था, सावित्रीबाई फूले स्कूलों में खाना भी देते थे। तो ये कंसेप्ट देखो कितना पुराना, कितना पुराना है, ये किसी को पता नहीं है, पता होना चाहिए, होना चाहिए। तो वैसे ही इसको अगर आगे फिर उन्होंने और बढ़ाया, 1882 में एक भारत के भ्रमण पर निकले थे जिनका नाम हंटर था, हंटर कमिश्नर थे वो, तो वो भारत में भ्रमण कर रहे थे सारी जगह ये देखने के लिए कि हम शिक्षा में सुधार कैसे लाएं। उस समय ज्योतिबा फूले जी ने एक कंसेप्ट उनके आगे रखा कि जिसको हम आजकल की लैंग्वेज बोलते हैं इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी वर्ग के लोगों को एक जैसी शिक्षा दी जाए। तो ये जो कंसेप्ट था ये उन्होंने उसका हंटर के दिमाग में लाया और फिर इसके ऊपर काफी काम हुआ। देखिए उसके साथ एक बात और आपको बताऊं, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली थी उस टाइम पे ज्योतिबा फूले जी ने, उन्होंने कहा था कि जो स्कूल, उन्हीं स्कूल को गवर्नमेंट एड करे जो स्कूल सभी वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिलाए। अगर आपको मतलब अगर हम पढ़े आगे इसका और पढ़े तो इस स्टेटमेंट की बहुत निंदा भी हुई थी और अपोजिशन भी हुई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने हंटर कमीशन को कहा, बेसिकली उन्होंने मेमोरेंडम दिया था। हाँ, मेमोरेंडम उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा अगर देनी है तो शिक्षा में अगर सुधार लाना है तो शिक्षा सबके लिए सेम होनी चाहिए और सबके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। आज अमेरिका में 10th तक शिक्षा फ्री है, बिल्कुल, और सेम शिक्षा है सबके लिए, कोई सिलेबस डिफरेंट नहीं है वहाँ। तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले आज से 150-200 साल पहले कह चुके हैं। हाँ, ये देख लीजिए कि उनका कंसेप्ट बाहर लोग कैसे इस्तेमाल, बाहर के देशों में कैसे वो इम्प्लीमेंटेड है। ये बात जो है वो बाद में कहीं ना कहीं माननी भी होगी। हंटर कमीशन जो है, अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग जो है वो ये बाकायदा जानते थे कि भारत में असमानता है, यहाँ जातिवाद है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, जैसे भी है, तो वो चीज उन्होंने पेश की, उनका प्रयत्न था, उनका प्रयत्न, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके बाद ज्योतिबा फूले जो है अपना काम करते रहे और फिर कोई 26 नवंबर 1890 के आसपास जाके उनका देहांत हो गया और वो पैरालिसिस की वजह से हुआ था देहांत उनका। हाँ, पैरालिसिस हुआ था, हुआ है। और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले उस समय, हाँ जी, मैं आपको बताऊं, एक प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, तो एक उनके ही वहीं पे उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा एक छोटा हॉस्पिटल जैसा खोला हुआ था जहाँ पे उनके बेटा भी था। तो कहते हैं कि बेटा उनको उठा के मतलब सेवा कर रहे थे प्लेग के लोगों की वहां पे, दोनों बेटा और मां बेटा, पेशेंट्स को खुद उठा के लाती थी, खुद उठा के लाती सावित्रीबाई फूले। तो उन्होंने एक पेशेंट से ही उनको फिर ये इन्फेक्शन हो गई और उन्होंने वहां पे दम तोड़ दिया। और उन्होंने ही नहीं बल्कि कहते हैं कि उनका बेटा भी वहीं पे प्लेग का इलाज करते करते, लोगों को ठीक करते करते वहां पे फिर उसके बाद उनका भी वहीं पे। अच्छा मैडम, एक चीज अभी समय की कमी भी है, एक बात जोड़नी होगी, सावित्रीबाई फूले लोगों की सेवा करते करते मर गई। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, उसके पति की डेथ 90 में होगी,
उसकी डेथ हुई 1996 में। 6 साल तक वो काम करती रही और काम उसका उसने और भी करना था, लेकिन वो इनफैक्ट जो प्लेग था उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये होता है क्रांतिकारी का अंत, ऐसे अंत हो तो कह आप कह सकते हैं कि वो क्रांतिकारी थी। इसके बाद 90 में हम देख रहे हैं कि ज्योतिबा फुले इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, और 1891 में एक और सूर्य निकलता है भारत में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो काम ज्योतिबा फुले अपनी जिंदगी में जिनका फाउंडेशन रखा, जिन्होंने आधा कर पाए, क्या आप मानते हैं कि अंबेडकर जी ने उनको पूरा किया अपने जीवन में? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर इसके साथ मैं आपको एक चीज और इसमें ऐड अप करना चाहूंगी, अगर आप देखें जैसे पुराने जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिसमें कबीर साहब आते हैं, हमारे रविदास जी आते हैं, फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले जी आते हैं, फिर अंबेडकर साहब आते हैं, अगर आप ध्यान से कहीं देखो तो इन सभी का जो लक्ष्य था वो एक ही था, इंसानियत, जागरूकता और शिक्षा। ये इन सभी का एक ही एजेंडा लेके ये लोग चले हैं, और तभी मुझे लगता है क्रांतिकारी कहना और इनको याद करना सालों साल तक हमें ना ही इन्हें कभी भूलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ ये तो है जो कि हमारे जीवन में हमेशा के लिए इनका घर घर में हर बच्चे को पता होना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है। ऐसा भी माना गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, हाँ, बुद्ध भी तीन गुरु उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने माने हैं। और ये बहुत लेट हमें भी पता चला, पढ़ने को मिला कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो फूले जी का सारा काम पढ़ चुके थे। फिर उन्हें समझ आई कि मेरे जो पहले पूर्वज थे उन्होंने भी कुछ किया हुआ है, और अंबेडकर 1924-25 में समर्पित हो गए थे क्रांति की तरफ। उन्होंने अपना तनख्वाह, नौकरी सब छोड़ दिया, 24-25 में वो पूरे तौर पर जो क्रांति है, सामाजिक क्रांति जो है, जो इंसानियत की क्रांति थी, या फिर अछूतों के हक थे, या बराबरी थी, या जो भी था, उसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। और फूले जी का सारे सपने 1950 में जब भारत का नया संविधान लागू हुआ, तो आप देख सकते हैं कि नए संविधान में फूले जी के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कानूनी तौर पर उसमें शामिल हो गए, और हम एक नया भारत लेके निकले। आप देखिए आज भी भ्रूण हत्या बंद है, आज भी जो 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 विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है, आज भी एजुकेशन जो है औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी जाति धर्म पर कुछ भेदभाव नहीं, सब बराबर है। तो जितना भी उनका कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट जो है आज हमारे नए भारत में हमको मिलता है। ये हमारे हमारे पूर्वजों की मेहनत है, उनको हम उनके बर्थडे पे सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि और कहीं नहीं तो कम से कम आप इंटरनेट पे ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सवित्रीबाई फुले की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान जो लोग हुए हैं भारत में वो छिपे नहीं रहने चाहिए। तो फिलहाल इसके तो चलो अब अपनी चर्चा को करते हुए मैं आपको बोलूं कि उन्होंने जो वर्डिंग्स थी ज्योतिबा फुले जी की, तो मैं बस वो दो लाइनें बताना चाहती हूं जो वो कहना कहते हुए गए हम सबको कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए, इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुआ। कहने का भाव ये है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा, धन भी चला जाएगा, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, आपकी कंडीशन भी बिल्कुल जमीन पर आ जाएगी। तो उन्होंने शिक्षा की महत्ता जो है उस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के बिना हमारी ये हालत हुई है, वो जो लोअर कास्ट थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी यही मैसेज देंगे कि हर इंसान को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा से ही उसके सारे कष्ट और सारे रास्ते खुल जाते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा हमारे महापुरुषों ने आज से अगर 200 साल पहले कहा है, तो आज हमें जरूर इस पर
गंभीरता से गौर करना चाहिए और समय ज्यादा ना लेते हुए मेरे ख्याल में समाप्त करते हैं चर्चा को। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।